डिस्कस करेंगे LSG वर्सेस CSK, मतलब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा मैच नंबर 7, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फुली आपको एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। यहाँ से 22 साल मल्टीबैगर प्रीमियर मल्टीबैगर सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। एक चीज़ आपके लिए ध्यान में रहना कि थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम आपको हो सकता है, अगर ऐसी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं मेट्रो के अंदर हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा जोन की वजह से आपको इशू आ सकता है, पर प्लीज़ आप आज कर लेना, आपको इसको एडजस्ट कर लेना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, और पहले सबसे पहले प्लेइंग 11 और उसके साथ में यहाँ से हम उसके साथ में पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं और यहाँ से देखने वाले हैं। एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कल भी मैंने आपको बताया था और कंटिन्यूसली ऐसा बताता रहूँगा कि कोई भी बंदा जो मेरे नाम पर चैनल जिसने अभी ओपन किया हुआ है 2K+ उसके सब्सक्राइबर हैं, उस चैनल के साथ में बिल्कुल मत जड़ना। वो फ्री, वो आपको पेड सर्विस अवेलेबल करा रहा है, तो मेरा चैनल ऑल ओवर आपके लिए फ्री रहेगा, चाहे कोई भी सजेशन हो आपके लिए ऑल ओवर फ्री रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मैच के बारे में क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो है दोस्तों, मेरा नाम मनोज, आप देख रहे हैं MSR फैंटेसी क्रिकेट यूट्यूब चैनल को। चलिए हम जानते हैं मैच नंबर 7 की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या इस मैच के अंदर आपको चेंजमेंट करके जाना चाहिए और क्या आपको मेन पिक्स उठाने चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए मेन रहेगा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अबाउट टॉप कमेंट के अंदर मिल जाएगी, तो यहाँ से जैसे भी ज्वाइन करना चाहो कर जाना। एक चीज़ ध्यान में रखना कि फेक चैनल के अंदर बिल्कुल मत जुड़ना, जो कि लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे बड़ी दिक्कत होगी ऐसे आप लोग अगर उस चैनल के ऊपर गलती से जुड़ जाएंगे, जो आपसे मेरे नाम पर पैसे आपसे ले लेगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, मेरे साथ में जुड़ जाना है। आपको पता है हमारी फैमिली 500+ मेंबर की फैमिली है, ज़्यादा वो फेक उन्होंने बनाए हुए हैं, फेक यूज़र ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले ऐसे बात करेंगे, जो ये मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा बार स्पोर्ट स्टेडियम मुंबई के अंदर, मुकाबला खेला जाएगा। न्यूट्रल विकेट आपको देखने को मिलेगी और पेसर और बैट्समैन, उसके साथ में थोड़ा सा टर्न भी आपको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर जो दूसरे मुकाबले हैं उनके कंपेरिजन में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टर्न भी देखने को मिलेगा और स्पिनर को थोड़ी मदद मिलेगी उसी वजह से, क्योंकि स्पिनर को यहाँ से टर्न देखने को मिलेगी तो स्पिनर को मदद ईजिली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 160-170 आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। और रिसेंटली अगर कुछ मुकाबले के बारे में बात करूँ जो पीछे ओल्ड मुकाबले खेले गए थे, और उसके साथ में यहाँ से कुछ रिसेंटली एक मुकाबला और खेला गया था, तो उनके कंपैरिजन में अगर यहाँ से बात करूँ तो हाईलाइट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से एवरेज स्कोर के साथ साथ में आपको पेसर को 37 विकेट मिल रही है तो स्पिनर को 32 विकेट मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से मान के चल सकते हैं स्पिनर को भी यहाँ से मदद मिलेगी। और एक चीज़ और है, ड्यू फैक्टर थोड़ा इतना ज़्यादा इस ग्राउंड के ऊपर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर ड्यू फैक्टर आता ज़रूर है, जिसकी वजह से सेकेंड इनिंग के जो चेजिंग टीम है और जो डिफेंड कर रही है वहाँ पे जो गेंदबाजी करा रही है टीम सेकंड इनिंग के अंदर जो गेंदबाजी करा रही है उसको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो सेकंड इनिंग की गेंदबाजों को थोड़ा सा फेवर करने के बजाय आप फर्स्ट इनिंग के गेंदबाजों को थोड़ा फेवर ज़्यादा करना। अब सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ से CSK की प्लेइंग 11 के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मोहिन अली और डेविन पटेरिस अवेलेबल हो चुके हैं और दोनों के स्टैट्स भी आपको अभी दिखा दूंगा। जो रिसेंटली मोइन अली के बारे में इतना ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन डेविड पटेरिस के बारे में आपको जानना जरूरी है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है और इसके स्टैट्स भी आपको जानना जरूरी है। तो अभी के लिए जो इनके प्लेइंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ऋतुराज गायकवाड़ के साउथ में डेविन कनवे लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे, मोहिन अली लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहेंगे, रोबिन उत्तप्पा राइट हैंड बैट्समैन रहेंगे और मोहिन अली ओब्रेक गेंदबाज रहेंगे। तो यहाँ पर अगर सामने वाली टीम के पास में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तभी मोहिन अली को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज उसको स्किप करके उसकी जगह किसी जैसे इनके पास में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है उनको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में नीचे यहाँ से आपको अंबाती रायडू दिखाई दे जाएंगे, रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उसके साथ में आपको टॉप ऑर्डर के अंदर प्रमोट कभी भी हो सकते हैं रविंद्र जडेजा, उसके साथ में महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग संभालेंगे और शिवम दुबे हैं ऑलराउंडर का काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए लास्ट मैच को देखते हुए गेंदबाजी नहीं कराई, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी, अदरवाइज इनके मेन जो गेंदबाज रहेंगे उनसे ज़्यादा गेंदबाजी कराई जाएगी। उसके बाद में ड्वेन ब्राओ है और एडम मिलने और तुषार देशपांडे है, इनके पास में अगर डेप्थ की गेंदबाजी की बात करूँगा तो ड्वेन ब्राओ के साथ में आपको कहीं ना कहीं एडम मिलने और तुषार देशपांडे से एक या दो और अदरवाइज आपको एडम मिलने के साथ में गेंदबाजी करा सकते हैं। हो सकता है एडम मिलने की जगह यहाँ से क्रिस जॉर्डन को टीम के अंदर लाया जा सके, तो यहाँ पे ऐसा चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एक दो चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं और ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे सबसे पहले मोहिन अली के अगर स्टेट्स आप चेक करेंगे तो रिसेंट फॉर्म आपको ये प्रकार देखने को मिलेगा, 8-13 एक विकेट, उसके साथ में 22-23 और एक विकेट, और यहाँ से जब जरूरत होती है तभी गेंदबाजी कराई जाती है, उसके बाद में 3 विकेट और 38 और मेन गेंदबाजी के साथ में वो ज़्यादातर बल्लेबाजी से प्रमोट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली टीम में इंग्लैंड टीम के साथ साथ में यह भी प्रमोशन ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में अगर यहाँ से आपको डेविड पटेरिस अगर खेलते दिखाई दे जाएँ तो पटेरिस की यहाँ से रिसेंट फॉर्म आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, विकेट कंटिन्यूसली निकाल रहे हो, डेप्थ के अंदर इनको गेंदबाजी ज़्यादातर देखने को मिलती है आपको।
उसके बाद में नीचे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ से मैं जिसके बारे में बताता था, क्रिस जॉर्डन के बारे में बता रहा था, तो उनकी रिसेंट फॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं। डेप्थ के अच्छे खासे गेंदबाज, उसके साथ में आपको यहाँ से फिनिशिंग का रोल बल्लेबाजी से भी निभा सकते हो और अच्छे खासे बड़े बड़े हिट लगाते हैं। नेक्स्ट टीम के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन अबाउट टॉप कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ से दूसरी टीम LSG, मतलब यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनकी टीम के अंदर यहाँ से बात करूँगा तो मार्क स्टोनिस, जैसन होल्डर और काइल मायर्स और एंड्रयू टाई, इनमें से कोई भी अभी के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर कोई प्लेयर अवेलेबल हो जाता है या कोई चेंजमेंट, अगर ये टीम कोई और चेंजमेंट करना चाहे, जैसे कि लास्ट मैच के अंदर दोनों टीम के हार के आ रही हैं, तो एक दो चेंजमेंट हो सकते हैं उम्मीद है, पर ज़्यादा चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी के लिए। अगर इनके प्लेइंग के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको KL राहुल के साथ में क्विंटन डी कॉक लेफ्ट हैंड बैट्समैन दिखाई देगा, विकेट कीपिंग यही संभालने वाले हैं। उसके बाद में इविल लेविस आपको दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है मनीष पांडे है, दीपक हुड्डा है, आयुष बंदोनी है और यहाँ से कुणाल पांडा। मैंने आपको बताया था दीपक हुड्डा, यहाँ से देखिए सामने वाली टीम के अंदर भी 3-4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो उस कंडीशन में आपको दीपक हुड्डा यूज़ किया जाएगा। और अगर इस टीम में लेफ्ट हैंड बैट्समैन 3 से 4 हैं, जैसे कि आपको क्विंटन डी कॉक, इविल लेविस, उसके साथ में नीचे भी आपको कुणाल पांडे जैसे प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सामने वाली टीम के अंदर मोहिन अली ओब्रेक गेंदबाज हैं, उनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होंगे। उसके बाद में नीचे आप चेक करेंगे आपको दुश्मित चमेरा दिखाई देंगे, डेप्थ की गेंदबाजी संभालेंगे, मोसिस खान है और रवि बिश्नोई और आवेश खान है। आवेश खान को लगभग डेप्थ के अंदर गेंदबाजी की दी जाती है और चांस हाई भी है कि उनको अब भी डेप्थ के अंदर गेंदबाजी मिलने के चांस है। तो इनके प्लेयरों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो मुझे ज़्यादा इनके स्टैट्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हम XN22 की, हमारी क्या पिक्स रहने वाली है, क्या हमारी बाई सेल और मल्टीबैगर प्रीमियम मल्टीबैगर रहने वाली है। देखिए मैं सेल की पिक आपको यहीं पे सजेस्ट करूँगा और बाई की पिक जो मेरी है, जो मैं आपको ऑलरेडी आपको XN22 के अंदर चेक कराता हूँ, वो भी आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। पर अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर आपको नोटपैड के अंदर दिखाने वाला हूं, तो सबसे पहले जो मेरी बाई की पिक रहेगी यहां से आवेश खान के साथ में ड्वेन ब्राव, रविंद्र जडेजा, मैंने जिनके ऊपर टिक लगाया है ये मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनके शेयर मैं थोड़े बढ़ा भी सकता हूं जब टॉस टाइम होगी, तो टॉस के टाइम में आपको मेरे साथ में टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाना है। अभी के लिए जो मेरी पिक यही तीनों रहने वाले हैं, इसके अंदर कोई चेंजमेंट होता है तो अपडेट मैं आपको कर दूँगा। सेल की पिक जो रहेगी वो मैं जो एक दो प्लेयरों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको XN22 एप्लीकेशन के अंदर बता दूँगा। अब बात करूँगा सबसे पहले जो मल्टीबैगर पिक के अंदर मैंने 7 प्लेयरों को अभी उठाया हुआ है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अगले मैच के अंदर मैं इनको कम भी कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा परसेंटेज बेस के ऊपर मैं इनको थोड़ा चेंजमेंट कर सकता हूँ। वो जो मेरी ट्रिक्स होती हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता भी सकता हूँ। अभी के लिए मैंने जो 6 पोजीशन के अंदर प्लेयरों को रखा हुआ है, रविंद्र जडेजा है, मोइन अली के साथ में KL राहुल है, मीडियम सेक्शन के अंदर मैंने ऋतुराज गायकवाड़, ड्वेन कनवा है, क्विंटन डी कॉक है और दीपक हुड्डा है। अभी के लिए अगर इनके बारे में बात करूँ तो बैटिंग पिच को देखते हुए मैंने रविंद्र जडेजा, मोइन अली, KL राहुल मेरे मेन प्लेयर रहेंगे। अगर विकेट कीपिंग इनको मिल जाती है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ से ड्वेन कनवे भी मैं डिफरेंशियल पिक के मान के चल रहा हूँ और दीपक हुड्डा को थोड़ा गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों की तरफ से मान के चल रहा हूँ। अभी यहाँ से लास्ट बारे में जो हमारी यहाँ से लास्ट डिस्कशन करेंगे प्रीमियम मल्टीबैगर, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, फिर से बोल रहा हूँ बार बार, मतलब कोई बात होगी तभी आपको ज्वाइन कर लेना है। जो मेरी प्रीमियम मल्टीबैगर के अंदर जो मेरी पिक रहेगी रविंद्र जडेजा मेरी फर्स्ट यही रहेगी, मैं फर्स्ट पिक यही इसी को मान के चल रहा हूँ। अगर इसका बैकअप प्लान मेरा रहा तो बैकअप प्लान मैं टॉस के बाद में डिसाइड करने वाला हूँ। तो चलिए आपको एक बार XN22 एप्लीकेशन के अंदर मेरी सारी पिक दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी बाइक की पिक रहेगी रविंद्र जडेजा है, ड्वेन ब्राव है, आवेश खान, ये मेरी बाइक की पिक रहेगी। सेल की पिक मैं आपको ओनली टेलीग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए अगर बात करूँ जो मल्टीबैगर पिक के अंदर रहेगी, यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ है, ड्वेन कनवे है, मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है, यहाँ से KL राहुल है, क्विंटन डी कॉक और दीपक हुड्डा, ये मेरी पिक रहेगी यहाँ से मल्टीबैगर के अंदर। प्रीमियम मल्टीबैगर के अंदर मैंने अभी के लिए रविंद्र जडेजा को पिक किया हुआ है, ये मेरी आज की पिक रही थी। इसके अंदर कोई चेंजमेंट होता है, कोई अपडेट होता है वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो को जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार आपका दिखाते रहिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।